बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता लोग, और इनके काफिला के सामने मैं खड़ा हूं और मैं गलती से मिल गया हूं, तो इनसे कुछ सवाल है मेरे हमारे रायगढ़ लोकसभा से क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, इन सब बातों को चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इनोसेंट कुजूर जी हैं, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे हम। जो तो कैसे हालचाल भैया? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सबसे पहले मैं जय भीम जोहार बोलता हूँ जी। तो आप प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो आपको टिकट दी है बहुजन समाज पार्टी, तो कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मेरे को मेरा हाईकमान ने मेरे ऊपर भरोसा किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ जी। और तैयारी किस टाइप से है हमारे रायगढ़ लोकसभा में? अभी देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी बहुत सालों से राज कर रही है, तो कैसा सामना करेंगे? नहीं, चूँकि हम जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ते हैं, और जनता का बल हमारा बल है। हम पूंजीपतियों से तो लड़ना है, लेकिन हम पूंजीपतियों के पैसे से हम लोग नहीं लड़ते, हम जनता के चंदा से ही हम चुनाव लड़ते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे जनता हमें एक नोट और एक वोट दे के हमको विजय बनाएगी जी। तो आपके बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, क्या अगर जीत के आते हैं तो क्या क्या दिखेगा बदलाव जसपुर क्षेत्र में और रायगढ़ क्षेत्र में? हमारी जनता की जो मांग है, यानी उनको रोटी कपड़ा मकान जैसे बोल रहे हैं ना, तो उनको रोजी रोजगार मिलना है, उनको उचित सम्मान के साथ मिलना है, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। और जैसे वर्तमान सरकार अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है, मैंने अपने धर्म को नहीं निभा रही है, अपने राजधर्म को नहीं निभा रही, हमें ऐसे दिखाई देता है। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनती है या मैं सांसद बनता हूँ इस लोकसभा क्षेत्र से, तो यहाँ की जनता की जो मांग है, उनकी जो समस्या है, उसको मैं सदन में उठाऊँगा। जैसे युवाओं का बेरोजगारी है, बहुत ही बुरी हालत है। अब 5 पद के लिए 5 लाख लोग आवेदन भरते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 5 या 10 साल में मोदी सरकार के समय से बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। तो सबसे पहले हम युवाओं को रोजगार देने का काम बिल्कुल करेंगे। जैसे कि केंद्र के सरकार में 30 लाख पद पहले से खाली पद पड़े हैं, बैकलॉग भर्ती हम सबसे पहले उसको पूरा करेंगे, इसके बाद और नए पद सृजन करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं को वो प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है। हम प्राइवेटाइजेशन को बंद करेंगे, यानी राष्ट्रीयकरण करेंगे, उससे क्या होगा, रोजगार सृजन होगा, तो अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। अच्छा, और ट्रेन की मांगें प्रमुख रहती है हमारे क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में, तो क्या विचार रखते हैं ट्रेन के, अगर आएगा तो किस टाइप से विकास होगा हमारे क्षेत्र में? नहीं, आवागमन के साधन में रेल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, और चूँकि हमारे जसपुर ज़िले में हमारा रेलवे का साधन नहीं है, और दूसरे देशों से मतलब दूसरे अन्य शहरों से टच नहीं हो पाता है, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा झारखंड से हमारा रेलवे कनेक्ट हो, और उड़ीसा से भी हमारा कनेक्ट हो, इधर सरगुजा से भी हमारा कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जसपुर एक बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्राकृतिक छटा से भरपूर जगह है, इसको प्राकृतिक रूप से मैंने प्राकृतिक रूप से क्या बोलेंगे इसको, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, पूरे देश के लोग यहाँ पर आना चाहेंगे, पसंद करेंगे, गर्मियों में यहाँ पर लोग बाग आना पसंद करते हैं, इसलिए यह आवागमन की सुविधा होगी, रेल की सुविधा होनी चाहिए, और छोटे माने वायुयान की भी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर, और बस की सुविधा हमारे राजधानी तक डायरेक्ट होनी चाहिए, चाहे इधर रांची हो, चाहे उधर झारसुगुड़ा उड़ीसा हो, और उधर हमारे रायपुर की तरफ अंबिकापुर तरफ से चारों दिशाओं से हमारा कनेक्ट होना चाहिए या आवागमन के साधन होने चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे जी। और महंगाई के संबंध में क्या बोलना चाहेंगे, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है? महंगाई तो इस सरकार ने बेतहाशा बढ़ाया है, इसका मूल कारण क्या है कि इनका उद्योगपतियों से संपर्क है, उद्योगपतियों या पूंजीपतियों धन्ना सेठों के कारण ही ये लोग मनमर्जी महंगाई बढ़ाते हैं, जब चाहे महंगाई बढ़ाना इनकी सरकार और उद्योगपतियों के साठगांठ से होता है, अन्यथा ऐसे महंगाई बढ़ता नहीं है। सरकार चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है, बढ़ा नहीं बढ़ सकती है तो कंट्रोल तो कर सकती है, लेकिन ये सरकार ऐसे नहीं कर रही है। आपने देखा ये जो कोरोना की बीमारी थे उस टाइम क्या क्या ये लोग किए हैं, माने महंगाई क्यों बढ़ा है ना, जो जिस कंपनी को दिया गया था ये कोरोना के दवाई बनाने के लिए,
उन्होंने उनको जो काम दिया गया तो वो दवाई बनाई ज़रूर, लेकिन उसका कीमत अनावश्यक रखा गया है। और उन लोग ये भी पता चला है कि कोविशील्ड बनाने के लिए लोग 52 करोड़ का चंदा भाजपा सरकार को दिए हैं, तो ये मनमानी कीमत तय करके बेच रहे हैं, तो ये तो महंगाई ऐसे ही बढ़ता है। तो ऐसे सभी तरह से महंगाई इस सरकार के गलत नीति के कारण है, इसको हम रोकने का काम करेंगे। सही सरकार चलेगी तो। और एक सवाल भैया, संविदा कर्मचारी के नाम पे सरकार नौकरी दे रही है, तो संविदा कर्मचारी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? संविदा कर्मचारी नौकरी ठीक है? नहीं, बिल्कुल ही ठीक नहीं है। संविदा कर्मचारी बिल्कुल ही ठीक नहीं है, हम लोग की नज़र में ठीक नहीं है। हम जब हमारी सरकार बनेगी या मैं सांसद बनता हूँ तो मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा केंद्र में कि ये संविदा भर्ती ना हो, बल्कि नौकरी परमानेंट नौकरी हो, माने स्थायी नौकरी हो। और जैसे अभी जो सरकार अग्निवीर योजना लेके आई है, ये 4 साल की नौकरी देती है, ये भी गलत है। हम इसको बंद करेंगे और परमानेंट यानी स्थायी नौकरी का व्यवस्था करेंगे। और कर्मचारियों के मामले में एक और बात है, जो पुरानी पेंशन नहीं दे रही सरकार, तो हम पुरानी पेंशन लागू करना चाहते हैं कर्मचारियों के बारे में। हमारा पुरानी पेंशन मतलब किस तरह से नहीं दे रही? वो अभी न्यू पेंशन दे रही है, जो कुछ फ़ायदा नहीं होता उनको, इनका कोई गारंटी नहीं है। इनको नौकरी निकलने के बाद, नौकरी से रिटायर होने के बाद इनको कोई मतलब सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है। अच्छा। ये नए कर्मचारियों को आप पूछेंगे तो उनको समझ आएगा, क्योंकि मैं कर्मचारी हूँ और मैं पुराना पेंशन पाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इनको पुराना पेंशन मिलना सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है जी। और आप पुराना बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप क्या करते थे पहले, किस टाइप से बैकग्राउंड चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जी। मैं सबसे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ, और मैं बैंक में नौकरी करता रहा हूँ, और मैं बैंक में 33 साल का नौकरी किया। इसके बाद मैं 2 साल बचा भी था तो मैं VR ले लिया, और मेरे को ऐसे महसूस लगता था कि मैं अपने लोगों के लिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जो बैंक था, ब्रांच जो था, हमारे आदिवासी बैंक में थे, मैं इलाहाबाद बैंक में था, जो वर्तमान में अब इंडियन बैंक बन गया है, तो मैं उसी का स्टाफ हूँ। तो ये मैंने 33 साल बैंक में नौकरी किया, एक छोटे से कर्मचारी से मतलब क्लर्क एंड कैशियर से शुरू किया था, इसके बाद अधिकारी बना और सीनियर मैनेजर तक बना था मैं, और आखिरी में मैं बिलासपुर से रिटायरमेंट लिया, वहाँ करेंसी चेस्ट में इंचार्ज था जी। और एक सवाल, भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ रही है। बिल्कुल ही, अब वर्तमान सरकार में ये भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, ये हम इलेक्टोरल बॉन्ड से हम देख चुके हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो ये सरकार ने लाई थी, इसमें अभी स्टेट बैंक का संलिप्तता थी, और इसमें अब सबको दिख गया, ये पहले बताना नहीं चाहते थे किसने क्या क्या घोटाला किया है। इसका और भी घोटाले उजागर होंगे, जो PM केयर फंड बोलते हैं उसमें भी होगा अभी, तो इस तरह का ये गले गले तो डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में ये सरकार। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसको भी जाँच करवाएंगे, हमारी ऐसे आशा है, हमारे नेताजी इसके ऊपर ध्यान देगी, हमें ऐसे लगता है। और ऐसे बेईमान सरकार को जनता उखाड़ फेंके, हम ऐसे चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इनोसेंट कुजूर जी। और भी हैं यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता लोग, इनसे जानेंगे किस टाइप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यहाँ पे हैं मशीष रोशन जी। मशीष रोशन जी, आपका कुछ पद है बहुजन समाज पार्टी में? मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ जी। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं मतलब? मैं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, मैं बचपन से ही बाबा साहब का विचारधाराओं से प्रभावित हुआ, और तब से ही प्रभावित होने के बाद आज तक अभी तक बाबा साहब के विषय में गांव-गांव जन जन तक जा करके अपने बाबा साहब संविधान के विषय में विचारों को रखता हूँ जी। और कार्यकर्ताओं में किस टाइप से उत्साह है? इनोसेंट कुजूर जब से नाम आया, ये फॉर्म भरे हैं, तब से किस टाइप से उत्साह है लोगों में? उत्साह बहुत अच्छा है, चूँकि भारत का आज़ाद हुए आज 70-75 साल से भी ज़्यादा ज़्यादा हो चुका है, और इतना होने के बाद भी आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ही देखते आए हैं, जबकि एक तीसरा विकल्प होना चाहिए। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म करने के लिए कई तरह से मतलब ये इस तरीके से जो है हम लोगों को संविधान को ख़त्म किया जा रहा है निजीकरण करके, तो उसको रक्षा करेंगे बहुजन समाज पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल रक्षा करेंगे, चूँकि आज हमारा संविधान अगर समाप्त हो जाती है
तो हमारे एसटी एससी और ओबीसी जो कि भारत में लगभग 50% के लोग हैं, जो कि दलित शोषित समाज के हैं, वो और भी नीचे गिर जाएंगे। और इसमें एक हमारा और सिर्फ हमारे नहीं, हम सब लोगों का, हर व्यक्ति का, हर इंसान का, हर दलित लोगों का खास करके एक रहना चाहिए, एक संविधान को बचाएं, सबको साथ में आ करके एक आवाज़ उठाएं। जी, तो इंस्पेक्टर कुजूर जीत के आएंगे, उम्मीद है? उम्मीद तो है, और जनता को भी चाहिए, बिल्कुल उम्मीद है, बदलाव चाहिए, क्योंकि दो ऑप्शन तो शुरू से होते आया है, तीसरा बदलाव भी जनता को चाहिए। कि उनसे एक निवेदन है कि हमारे इनोसेंट कुजूर भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी को जिताकर सामने लाएं। हमारा रायगढ़ लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, तो सारे जगह आपके कार्यकर्ता पहुंच गए? हाँ, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता भी बिल्कुल जोश खरोश के साथ लगी है, कोशिश कर रही है, और उम्मीद है कि हम जीत भी सकते हैं और जीत जाएंगे। जी, ये थे मसीस रोशन जी, जो जिलाध्यक्ष हैं, और भी कुछ कार्यकर्ता लोग हैं। भाई, बीजेपी नारा लगा रही है 400 पार का, तो क्या लगता है 400 पार कर पाएगी? ये बीजेपी बोल रही है 400 पार, इसको हम लोग कर देंगे, इसको डायरेक्ट बाउंड्री से पार कर देंगे इसको। अच्छा, ये विचारधारा? हाँ, ये विचारधारा है हम लोग। और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है? कार्यकर्ताओं में अभी एकदम पूरा जबरदस्त उत्साह में है, और हमारे प्रत्याशी जी से इनोसेंट कुजूर जी जिसे आए, तब से हम लोग और थोड़ा सा और ज़्यादा और फैसला पूरा बुलंद हो गया है हम लोग का। सब पुराने कार्यकर्ता लोग सब आ गए हैं, मतलब? हाँ, सब पुराने कार्यकर्ता सब एकजुट हो गए हैं, पूरा सक्रिय हो गए हैं। अच्छा जी, तो और कुछ संदेश इनोसेंट जी जनता के लिए? जनता से मैं निवेदन करूँगा कि हम जो बहुजन समाज पार्टी है, देश की तीसरी ताकत हैं, लोग इनको जाने समझें और वोट करें और अपनी नई सरकार बनाएं। हम इसी उम्मीद में हैं कि तीसरी सरकार आए, देश की दिल्ली की गद्दी में तीसरी सरकार बैठे, हम यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, और वो हम लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से पालन करती है, कराती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।